Good afternoon. So we have been discussing the previous year questions uh, uh, topic-wise. So we are selecting a particular topic and covering all main questions of that topic which has come in last five years. Uh, so today's topic is agricultural finance. So agricultural finance area in the last five years. Good afternoon. इन लास्ट फाइव two questions टू been asked. Agriculture finance के एरिया में दो बार कह लो एक बार एग्रीकल्चर बैंकिंग पे बैंकिंग पे आया हुआ है उसको बैंक में रख देते हैं कई बार तो जो बैंकिंग पे क्वेश्चन आया है इन केस कोई रीजनल रूरल बैंक पे आया है या कोपरेटिव बैंक पर आया है अब वो क्वेश्चन तो बेसिकली बैंकिंग में कवर होते हैं तो देर में बी वन और टू क्वेश्चन विच हैव कम इन बैंकिंग बट एंड दे आर नॉट पार्ट ऑफ बट वी है नॉट हेयर दैट सो एग्रीकल्चर फाइनेंस में दो क्वेश्चन जो आए हैं पेपर में एक क्वेश्चन आया है क्रॉप इंश्योरेंस का है ना एंड निकेंड क्वेश्चन आया हुआ है सब्सिडीज के ऊपर एक 2014 में आया है एक 2016 में क्वेश्चन आया है ठीक है तो दोनों क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है सिंपलर uh, क्वेश्चन है गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू अब देखिए क्वेश्चन कैसे समझें हम क्वेश्चन है आपका पढ़ते हैं द्वारा गिवन द वनरेबिलिटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर टू वेगरीज ऑफ नेचर डायरेक्टिव है डिस्कस आपका डिस्कस द नीड फॉर क्रॉप इंश्योरेंस एंड ब्रिंग आउट सेलेंट फीचर्स ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ठीक है अब देखिए इस क्वेश्चन इट्स ए वेरी सिंपल क्वेश्चन अगर किसी ने क्रॉप इंश्योरेंस तैयार कर रखा है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होना चाहिए जैसे मैंने क्लास में भी कराया हुआ है क्रॉप इंश्योरेंस प्रॉपरली तो उसके लाइट तो मतलब पहले हमें डिस्कस द नीड फॉर क्रॉप इंश्योरेंस जब मैं कहता हूं डिस्कस द नीड फॉर क्रॉप इंश्योरेंस तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या नीड है या नहीं है ठीक है ना अगर नीड है तो अब सेकंड पार्ट है सेलेंट फीचर्स ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तो इसी कंटेक्स इस स्टेटमेंट के कंटेक्सट में करना है तो जो मैं कहता हूं डिस्कस द नीड फॉर क्रॉप इंश्योरेंस हम कहें नीड है अगर है तो कैसे है हाउ कैसा चाहिए विस टाइप ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस इज रिक्वायर्ड अगर नहीं है तो क्यों नहीं है ठीक है डेफिनेटली है तो ये तो है नहीं है ना इसके अंदर कि कॉर्पोरेशन नहीं होनी चाहिए है ना? तो ये हो गया। जैसे हम कहते हैं नीड है और क्या नीड है अब अब इस लाइट में क्या नीड है इसकी लाइट में हमें ये करना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कैसे इस नीड को पूरा कर रहा है ठीक है तो ये डायरेक्टिव इज डिस्कस डिस्कस का मतलब ये है बेसिकली अगर इस तरह से डायग्राम बना के भी प्रैक्टिस करोगे तो आप आसानी से क्वेश्चन को डिसफर कर पाओगे ठीक है ना अब एक तरफ वेरिएबल इसके अंदर दो हैं इंडियन एग्रीकल्चर वर्नेबिलिटी एंड वेगरीज ऑफ नेचर बी ए और बी इन द कंटेक्सट क्या है क्रॉप इंश्योरेंस कंटेक्स्ट इज क्रॉप इंश्योरेंस ए के बीच ए से बी के बीच में जो रिलेशन है हमें एक्सप्लोर करना है इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस एंड द स्पेसिफिक प्रोग्राम तो हम देखते हैं इसका दे, दे, इंट्रोडक्शन क्या बनेगी इंट्रोडक्शन में आप क्या दे सकते हो आप देख सकते हो कि एवरी ईयर इंडियन एग्रीकल्चर सफ़र्स ड्यू टू फ्लड्स या कहीं फॉग हो जाती है कोहरा हो जाता है या ड्यू टू साइक्लोन्स ड्यू टू फ्लडिंग ड्राउट्स तो ऐसे कई वेगरीज ऑफ नेचर हैं जिसकी वजह से एग्रीकल्चर uh, सफ़र करती है तो यू मे गिव सम कंक्रीट एग्जांपल आल्सो कि रिसेंटली यहाँ पे ऐसा हुआ था एंड बिकॉज ऑफ विच द होल क्रॉप वॉट डैमज है ना तो ऐसा कुछ करंट में एग्जाम्पल आ जाए तो अच्छा रहेगा इंट्रोडक्शन में वो देखे देन आप मेन आप बॉडी पे आओगे पे आपने एक लाइन लिखनी है वन लाइन वनरेबिलिटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर वनरेबिलिटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर देखो कैसे आंसर डेवेलप होता है इस पे एक लाइन लिखोगे की हमारा एग्रीकल्चर वनरेबल है बिकॉज अभी हम ग्रीन रेवोल्यूशन से टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन तो हमने करी लेकिन अभी एक नेक्स्ट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है तो इस करके इसकी वजह से क्या होता है वनरेबलिटी बता के कि वनरेबल टू नेचर है वेगरीज ऑफ नेचर जो है उसको टेक केयर करने के लिए हमारा एग्रीकल्चर पूरी तरह सक्षम नहीं है है ना पूरी तरह सक्षम या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं है कि हम ये वेगरीज ऑफ नेचर से एग्रीकल्चर को इंसुलेट कर पाए तो दिस रिजल्ट्स इन अनसर्टनिटी रिजल्ट इन अनसर्टनिटी या अनसर्टेनिटी ठीक है अब इस कंटेक्सट में वी रिक्वायर क्रॉप इंश्योरेंस अब क्रॉप इंश्योरेंस की नीड क्यों है आप इसमें लिखोगे प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन लाइवलीहुड ऑफ फार्मर बेसिक इनकम मोटिवेशन वो सारे फैक्टर्स हमने डिस्कस किए हुए हैं कि इस वजह से क्रॉप इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट है अब नेक्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री आप दो ये सेलेंट फीचर्स ब्रिंग आउट सेलेंट फीचर्स है सीधे पॉइंट में मारने कि फर्स्ट ये अगेंस्ट नेचर ये कर रहा है फिर 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 ये कर रहा है ऐसे इनकम कर रहा है ऐसे ये ये Uh, ये ये वनरेबिलिटी को टैकल कर रहा है नंबर वन ठीक है ना उसके बाद ये ये वेगरीज ऑफ नेचर को टैकल कर रहा है नंबर एक नंबर टू कौन कौन सी क्रॉप को कवर कर रहा है कितनी कवरेज है फिर ये कितना फार्मर की इनकम को प्रोटेक्ट कर रहा है है ना तो ऐसे पांच छः पॉइंट लिख के आपका आंसर पूरा ये बन जाता है लेकिन एक बात ध्यान रखिए मैं सजेशन ये करता हूं कि जब ये पॉइंट लिख रहे हैं ये अलग लिखें और नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का अलग है तो इसका पॉइंट अलग लिखें इन करने को कोई दोनों को मिक्स भी कर सकता है यहाँ पे लेकिन वो मिक्सिंग आप ना करें तो बेटर है बिकॉज क्वेश्चन पेपर में दो अलग अलग पार्ट हैं तो मेरे लिए इस क्वेश्चन के तीन पार्ट बन जाएंगे ठीक है ना एक तो मेन बॉडी आपका ये इंट्रोडक्शन ये हो गया जिसमें आपने कॉन्टेक्स एक्सप्लेन किया फिर आपका ये पार्ट दूसरा हो गया और तीसरा पार्ट आपका आंसर का ये हो गया थर्ड थ्री दिस इज थर्ड पार्ट है ना फाइनली कंक्लूजन लिखोगे आप कि तो कंक्लूजन में लिखोगे आपकी टू वट एक्सटेंट ये सक्सेसफुल है आप ये लिख सकते हो कि एक्सटेंट ऑफ सक्सेस क्योंकि क्वेश्चन वनरेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड एंडरेबिलज ऑफ नेचर है तो कंटेक्सट आप ये लिख सकते हो कि कि कैसे वो कितने एक्सटेंट तक वो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सक्सेसफुल है इन टेकिंग केयर ऑफ दनरेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर ड्यू टू वेगरीज ऑफ नेचर ठीक है तो मैं इसको आसान क्वेश्चन की कैटेगरी में रखूंगा लेकिन हाँ अगर किसी बच्चे ने ये नहीं पढ़ा हुआ फसल बीमा योजना क्रॉप इंश्योरेंस तो डेफिनेटली उसके लिए तो ये अटेम्प्टेबल ही नहीं है वो मैक्सिमम एक पार्ट पहला क्वेश्चन का कर सकता है लेकिन दूसरा फसल बीमा योजना वाला नहीं कर सकता बट दिस इज अ स्कोरिंग एरिया और इसको छोड़ने का कोई मतलब नहीं है कई बार मैंने देखा बच्चे क्रॉप इंश्योरेंस छोड़ जाते हैं नहीं करना अगर कोई डाउट है आपने लेक्चर मेरा नहीं सुना इकोनॉमी का तो यू कैन ऑलवेज लिसन इट अगेन वो अपने आप में कंप्लीट लेक्चर है इस तरह अब ये क्वेश्चन आया हुआ इट्स वेरी इजी टू अटेम्प्ट विद द हेल्प ऑफ दैट लेक्चर ठीक है ये क्लियर हो गया एक बार यस कर दो क्वेश्चन

ओके okay. अब देखो क्वेश्चन है क्वेश्चन अब डिफरेंट फर्स्ट दो पार्ट में क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल सी डायरेक्टिव दो डायरेक्टिव है इस क्वेश्चन के अंदर एक तो वट है विच इज सिंपल कि कौन कौन सी सब्सिडीज डिफरेंट टाइप्स की हैं वन टू थ्री फोर बड़ा क्लियरली आपने लिखा है फर्टिलाइजर सीड इनपुट सब्सिडीज ये सब्सिडीज सब कुछ लिखा हुआ है ओके नो प्रॉब्लम चलो आगे देखेंगे एंड सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में कहता है क्रिटिकली एनालाइज क्रिटिकली एनालाइज एनालाइज़ करना है डिस्कस नहीं है एनालाइज एनालाइज में मुझे सैंपल को पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा अगर आप रेफर करें पिछला लेक्चर आपको याद हो एनालाइज का जो मतलब समझाया मैंने इन द प्रीवियस लेक्चर्स जो मीन्स आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कोर्स है इसके अंदर जिसके अंदर ये लेक्चर है उसमें मैंने डिटेल में बताया कि एनालाइज का मतलब बेसिकली क्या है और एनालाइज में क्या करना है वी हैव टेकन एग्जांपल्स ऑल्सो तो एनालाइज में यहाँ पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा मुझे ठीक है चलो अब मेरे बस दो मुझे डायरेक्टिव एड्रेस करने और 200 वर्ड का क्वेश्चन है ये ठीक है तो अब मैं क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कैसे बनाऊंगा सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन लिखूंगा इंट्रोडक्शन में कॉन्टेक्स्ट यहाँ सब्सिडीज का है तो आप जनरली बात कर सकते हो कि इन द पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड सब्सिडीज डिज ए ट्रेंड टू वर्ड्स विद्रॉल ऑफ सब्सिडीज बट स्टिल इन एग्रीकल्चर सब्सिडीज कंटिन्यू है ना एंड सब्सिडीज आर कंसिडर्ड असेंशियल इन दबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया ठीक है जी अब वट आर द डिफरेंट सेंटर एंड स्टेट अब सब्सिडीज कौन कौन सी है वट ठीक है ये हो गया अब मेन बॉडी में आ गया मेन बॉडी में आप ब्रीफली एक लाइन में लिख सकते हो वट इज सब्सिडी यार वट इज एग्रीकल्चर सब्सिडी होती क्या है सब्सिडी किसको कहते हैं हम एक लाइन में जरूर लिखना है दिस इज हाउ द आंसर इज बिल्डअप एंड दिस इज टेक्निक ऑफ गेटिंग मार्क्स इन यू पी एस सी बहुत आसान है नंबर इतने आएंगे आपको संभाले नहीं जाएंगे कि वट इज़ सब्सिडी आपको थोड़ी सी बतानी है पहले अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सिडी कौन कौन सी है ठीक है ना अब इसमें आपकी आगे फर्टिलाइजर सब्सिडी मतलब आप कह लो फर्टिलाइजर सब्सिडी सीड सब्सिडी ये सारी सात आठ तरह की जो सब्सिडीज हैं सेवन टू एट टाइप्स ऑफ सब्सिडीज यहाँ पे मैंशन हो जाएंगी ठीक है ना एंड दीज सब्सिडीज आर प्रोवाइडेड बाय सेंटर एंड स्टेट्स अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक सब्सिडी अगर फर्टिलाइजर सब्सिडी सेंटर दे रही है तो कई स्टेट्स अपनी सब्सिडी भी दे रही है तो ये सारी सब्सिडी सेंटर और स्टेट में लिखेंगे जैसे फूड सब्सिडी है अगर अगर प्राइस हैजिंग कर रही है गवर्नमेंट उसमें अगर फार्मर को एक इनडायरेक्ट सब्सिडी जा रही है तो दैट इज प्रोवाइडेड बाय सेंटर जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है वो बल्क ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी इज गिवन बाय सेंटर बट लेकिन अगर आप देखो इरिगेशन की है वो सब्सिडी लोकल स्टेट गवर्नमेंट दे रही है इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी है वो स्टेट गवर्नमेंट दे रही है है ना जो सीड्स हैं सीड्स पे सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट भी दे रही है सेंटर भी दे रही है है ना कुछ लेकिन मेजोरिटी सीट की सब्सिडी सेंटर दे रही है है ना तो इस तरह से जो ये uh, सब्सिडीज़ हैं सात आठ तरह की ये आप सेंटर uh, और स्टेट दोनों दे रही है आप ये तो वर्ट बता दिया आपने ठीक है अब इसमें एक आप चाहे इसको आप एक पैराग्राफ फॉर्म में लिख सकते हो सारी सब्सिडीज़ को या वन टू थ्री फॉर्म में लिखोगे तो वर्ड ज़्यादा जाएंगे है ना लेकिन अगर आप कॉम्पोजिट करके जैसे इस पर अगर पंद्रह वर्ड हो गए इज सब्सिडी पे पंद्रह वर्ड हो गए तो डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सिडीज़ इस पर आपके जाएंगे अराउंड हंड्रेड वर्ड्स तो हंड्रेड वर्ड्स के अंदर आप प्रॉपरली uh, लिख सकते हो एंड दर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ डायग्राम ऑल्सो हेयर वैल्यूडिशन के अंदर आप डायग्राम बना सकते हो एक यू कैन शो अ ट्री लाइक दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सिडीज़ ठीक होगी बात अब डिस्टोशन कैसे करनी है हाउ हाउ द डिस्टॉर्शंस की बात करनी है देखो डिस्टोशन में अब डिस्टॉर्शन को करने के कई तरीके हैं देखो सबसे पहले है डिमांड साइड डिमांड एंड सप्लाई डिमांड साइड डिस्टॉर्शंस एंड सप्लाई साइड डिस्ट्रॉक्शन कॉमन सेंस चल रही है यहां पे। आप डिस्टॉर्शन दिखा सकते हो प्रोडक्शन में मार्केटिंग में कंजम्पशन में आप डिस्टॉर्शन दिखा सकते हो यहां पे अगर दिखाना चाहो कि प्रोडक्शन में डिस्टॉर्शन सब्सिडी से क्या होती है मार्केटिंग में क्या होती है कंजम्पशन में डिस्ट्रॉक्शन कैसे होती है अगर सब्सिडीज एग्रीकल्चर सब्सिडी दी जाती है नहीं लिखना तो पड़ेगा डायग्राम इज नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ व्हाट यू राइट इन यूपीएससी तो आपको लिखना तो पड़ेगा ही अब ये आपकी चॉइस है कि आप पॉइंट वाइज लिखते हैं अगर पॉइंट वाइज लिखेंगे पॉइंट बहुत छोटे छोटे बन जाएंगे सपोज मैं कहता हूँ कि भी सीड सब्सिडी दी तो वही सेंटेंस बार बार रिपीट हो जाएगा है ना जैसे आप कह सकते हो कि ठीक है गवर्नमेंट इज गिविंग वेरियस टाइप्स ऑफ इनपुट सब्सिडीज फॉर एग्जाम्पल फर्टिलाइजर सब्सिडीज इज गिवन फॉर NPK and specialized एंड स्पेशलाइज्ड subsidies are सब्सिडीज आर देयर देन सीड्स आर सब्सिडाइज ऐसे ऐसे एक पैराग्राफ में लिख के फिर इसके बाद सेकेंड पार्ट आ जाएगा कि ठीक है देर इज अ फूड सब्सिडी ऑल्सो विच द डिफरेंस बिटवीन द प्रक्योरमेंट प्राइस एंड द इशू प्राइस, विद द बेनिफिट ऑफ विच इंडरेक्टली गोज टू दमर्स तो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट टेक्नोलॉजिकल सर्विस सब्सिडीज हैं कि एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स में गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर रही है तो वो सब्सिडी हो जा रही है प्लस जो अदर टाइप्स फॉर्म्स ऑफ इनपुट्स हैं लाइक इरीगेशन एंड मार्केटिंग इरीगेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी तो दिस सब्सिडीज़ आर गिवन बाय वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स नॉट ऑल तो ये जो ऊपर सबसे नंबर वन है सबको मिल रही है नंबर टू पे भी सबको जा रही है लेकिन नंबर थ्री पे जो ये इलेक्ट्रिसिटी है वाटर है ये सब्सिडीज पर्टिकुलर स्टेट्स देती हैं नॉट ऑल स्टेट्स ठीक है ना एग्जाम्पल दे देना कि ठीक है इन पंजाब एंड हरियाणा दिस वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडीज़ गिवन टू द फार्मर्स है ना अब अगर आप टोटल सब्सिडी बिल देखें तो प्रेजेंटली दे तमिलनाडु टॉप्स तमिलनाडु में मैक्सिमम एग्रीकल्चर सब्सिडीज दी जा रही हैं सेकंड नंबर पे आता है फिर आगे पंजाब फिर हरियाणा ठीक है तो इस तरह से कुछ डाटा भी आप यूज कर सकते हो इसके अंदर ठीक है अब देखिए थर्ड पैटर्न थर्ड इसका तरीका ये है कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सिडीज उठा लीजिए जैसे इनपुट सब्सिडीज इसमें फर्टिलाइजर सीड्स आ गए फिर आपकी फूड सब्सिडी ठीक है फिर आपकी अदर सब्सिडीज लाइक इलेक्ट्रिसिटी वाटर एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं एक आधी और हो जाएगी डजन मैटर तो आप इन इनमें इसकी वजह से डिस्ट्रॉपन डिस्कस कर सकते हो कि जैसे फर्टिलाइजर सब्सिडी दी तो उससे डिस्ट्रॉपन क्या हुई कि प्रेफरेंस फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ फर्टिलाइजर जिससे फूड की जो सॉइल की न्यूट्रेंट बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो गया ठीक है ना आप सीड में सब्सिडी दे रहे हैं तो सीड में सब्सिडी से डिस्ट्रॉपन ये है कि कुछ सीड्स में सब्सिडी दे रहे हैं कुछ में नहीं है है ना जिससे डिस्ट्रॉक्शन मार्केट में ये हो रही है कि पर्सन जो फार्मर्स हैं दे आर प्रेफरिंग पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्रॉप्स अदर्स जो कॉस्टली सीड्स हैं वो नहीं प्रेफर कर रहे ये होगी मार्केट में ठीक है उसके बाद फूड सब्सिडी है तो जब कहते हैं हम कि पर्टिकुलर फूड्स को गवर्नमेंट एमएसपी दे रही है और बाकियों पर एमएसपी नहीं दे रही तो दर इज अ टेंडेंसी टूवर्ड्स चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न टूर्ड्स द क्रॉप वेयर द प्राइस प्राइसेंस इज देयर है ना तो ये एक डिस्ट्रॉक्शन होती है इससे कि आप इनपुट फूड सब्सिडी देने से फिर आप कह रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर पे सब्सिडी दे रहे हैं तो इससे डिस्ट्रोप्शन क्या होती है कि इट दीज रिसोर्स वैन दे आर गिवन टू फार्मर इन अब्सिडाइज वे दे टेंड टू ओवर यूज मिस यूज इट विच लीड्स टू वेस्टेज एंड दिस लीड्स टू डेफिशेंसी इन द इंडस्ट्रियल रीजियस और रेजिडेंशियल एरियाज तो ये डिस्ट्रॉप्शन क्रिएट होता है कि जो uh, फार्मर्स को यूज़ कर रहा है लेकिन कहीं और डेफिशेंट हो रहा है जहाँ चाहिए तो ये डिस्ट्रॉप्शन ऐसे चार पांच आपने डिस्कस करनी है अब आप इस लेवल पे आसान हो जाएगा मैंने आपको ये तीन इसलिए करके दिखाई है मैं डली ये भी कह सकता था मैं तीन इस करके आ, मैं करके आपको दिखाई है बिकॉज इट्स जस्ट अ सॉर्ट ऑफ वैल्यूडिशन इन योर थिंकिंग कई बार पेपर में जिस तरह मर्जी क्वेश्चन आ जाए तो वेरियस मैथड्स होते हैं नहीं नहीं, नहीं 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 आप अलग रखेंगे आप ये ध्यान रखिए मतलब नहीं डिस्ट्रॉक्शन बेनिफिट्स तो पूछा नहीं है उसने नहीं बेनिफिट्स कब पूछा है उसने अच्छा क्रिटिकली एनालाइज है ना एक मिनट है क्रिटिकली एनालाइज हाँ क्रिटिकली एनालाइज है क्रिटिकल एनालाइज में एक पैराग्राफ आप आ, ब्रीफली डिस्ट्रॉशंस का भी लिखोगे बेनिफिट्स का भी लिखोगे ठीक है ना अब यहाँ पे आपने डिस्ट्रॉशन लिख दी एंड में आप यहाँ पे बेनिफिट्स का भी एक पैराग्राफ तीस चालीस वर्ड लिख दोगे वो वैसे ऊपर भी आ गया है ना लेकिन एंड में भी आप एक बेनिफिट लिख सकते हो वेरी राइट वेरी राइट नवीन ये आप बेनिफिट लिख सकते हो

मार्केटिंग नेटवर्क में जाती हैं फिर कंजम्पशन में कि इंसान के जो लोगों के कंज्यूमर पैटर्नस है वो भी चेंज होते हैं है ना उनको ज या जो सब्सिडीज़ हैं दे बेसिकली आर रिजिड इन टर्म्स ऑफ चेंजिंग कंज्यूमर पैटर्नस ऑफ इंडिविजुअल सब्सिडी मिल रही है ऐसी चीज़ों पर जो जिनकी कंजम्पशन लोग कम कर रहे हैं आजकल जबकि जो जिन चीज़ों की ज़्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं उन पर सब्सिडी नहीं है तो वो डिस्ट्रक्शन होती है और बेनिफिट जो सब्सिडी का है वो और कम हो जाता है मतलब ऐसा लिख सकते हो आप तो ये अगर इस तरह से आपने डिस्ट्रोशन लिखनी है ये है डिमांड सप्लाई डिस्ट्रोकन कि जो फार्मिंग की एग्रीकल्चर की डिमांड है डिमांड है इनपुट्स की तो उसमें डिस्ट्रॉक्शन आ जाती है सप्लाई है सप्लाई क्या है बेसिकली फूड ग्रेन की जो प्रोडक्शन हो रही है तो उसमें डिस्ट्रॉक्शन क्या है तो आप बेसिकली वर्ड्स यूज करने हैं है ना वर्ड्स यूज करने हैं मैं आपकी जगह पे हूं तो मैं डिप्लोमेटिकली क्या करूं सब्सिडी बता के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सिडीज बता के फिर मैं कहूँ कि जो वेरियस सब्सिडीज हैं दे क्रिएट डिमांड सप्लाईज डिस्टॉक्शन इन द मार्केट विच होवर अराउंड द वेरियस पार्ट ऑफ द सप्लाई चेन इंक्लूडिंग प्रोडक्शन मार्केटिंग एंड कंजशन एंड द डिस्टॉक्शन कैन भी डिस्कस्ड इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक सबसिडीज तो फर्स्टली इन टर्म्स ऑफ इनपुट सब्सिडीज द सबसिडीज जनरेट अ प्रेफरेंस फॉर Use of particular type which is subsidized, thereby creating an imbalance. For example, fertilizers they create imbalance when people prefer particular fertilizers because they are subsidized irrespective of the need of the soil. Similar is the case of seeds, the farmers tend to prefer those seeds which are subsidized, whereas the other costly seeds they ignore, which leads to production of specific crops. Taken? Okay? तो कहीं डिस्टॉप्शन जो सब्सिडी का डिस्टॉपन है सबसे बड़ा डिस्टॉप्शन प्रेफरेंस का ही है देखो कि जिस चीज़ पर सब्सिडी मिलती है हम ज़्यादा उसको खाते हैं अब दवाई है सपोज कोई मेडिसिन हैं अब तीन तरह की मेडिसिन हैं अगर एक मेडिसिन पर सब्सिडी है ज़्यादा एंड वो सस्ती है तो जनरल पब्लिक विल डेफिनेटली टेंड टू तो प्रेफर दैट जबकि उसकी क्वालिटी हो सकता पुअर हो और दूसरी की ड्रग की क्वालिटी ज़्यादा हो है न डिस्ट्रॉशन से अब एजुकेशन से देखो एजुकेशन सब्सिडी है कि हम गवर्नमेंट स्कूल्स में सब्सिडी दे रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स में सब्सिडी नहीं दे रहे उससे डिस्ट्रॉशन आ रही है ना पूरा एजुकेशन सिस्टम डिस्ट्रॉटेड है या तो सारा ही को एजुकेशन को सब्सिडी दे बात ही खत्म हो गई कि देर इज नो एरिया विच इज़ नॉट सब्सिडाइज कोई फर्टिलाइजर ऐसा नहीं है जो सब्सिडाइज नहीं है कोई इनपुट सीड ऐसा नहीं है जो सब्सिडाइज नहीं है है ना तो सारों को सब्सिडी दें अगर तब तो बात अलग है बट वेन वी से कि वी आर गिविंग सब्सिडी टू ओनली गवर्नमेंट स्कूल्स

द सेक्टर हैज टू स्टैंड ऑन इट्स ऑन इट ओन मार्केट हैरी कॉम्प्लेक्स एंड दब्सिडी इज डेफिनेटली कॉस्ट डिस्टॉशंस ठीक है जी समझ आ गया तो ये हो गया आपके दो क्वेश्चन जो पेपर में आए हुए हैं तो नेक्स्ट लेक्चर आपका ट्वेंटी सेवन्थ जनवरी को है एंड लेक्चर uh, मैंने लगा दिया उसके साथ क्वेश्चन नहीं लगाए हैं आई थिंक लेक्चर इज ऑन फूड मैनेजमेंट पी डी एस सिस्टम एंड ऑल जो क्वेश्चन आए हुए हैं तो वो हम करेंगे ट्वेंटी को पढ़ाई चल रही है आप लोगों की ठीक ठाक अब घर में बैठने का एडवांटेज लेना है पढ़ना ही है सारा दिन और कुछ नहीं करना है याद रखना पूरा जोर लगा दो है ना फ्री मोड में आ गए हो वेरी गुड लेकिन ये मेंस के एक दो एक दो क्वेश्चन जो मैं वीकली करा रहा हूँ करते रहने हैं है ना इसका कहीं ना कहीं प्रिल्म में भी कोई ना कोई फ़ायदा हो जाएगा देखोगे आप अब मैं मार्च अप्रैल में मार्च में मैं प्री के क्वेश्चन भी स्टार्ट करूंगा मैं सारे आपको प्रीवियस ईयर के प्री के क्वेश्चन करा दूंगा अब आपके अगर पाँच साल में पाँच क्वेश्चन जनरल स्टडीज़ के आए हैं मैंने पाँच के पाँच आप लोगों को करा देने हैं एक सेपरेट प्रोग्राम बना के नहीं नहीं आप इसको ज्यादा रिमूवल की बात मत करो आप ये कह सकते हो कि ट्रेंड इज सच दैट इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग सब्सिडी सम अदर फॉर्म ऑफ बेनिफिट और सपोर्ट कैन बी प्रोवाइडेड टू एग्रीकल्चर विच डू नॉट डिस्टॉर्ट दी मार्केट क्योंकि मार्केट डिस्टोर्शन नेगेटिव है रैशनल ऑफ सब्सिडी पॉजिटिव है वो subsidy, तो नहीं है ना रैशनल ऑफ सब्सिडी तो सपोर्ट करना है लेकिन वो नेचर मीडियम ऐसा है कि वो जो सब्सिडी uh, है वो मार्केट डिस्ट्रोशन कर रही है तो मुझे मार्केट डिस्ट्रोशन हटानी है उसके लिए मैं कहूंगा ठीक है सब्सिडी हटानी पड़ेगी लेकिन दैट शुड बी रिप्लेस बाय सम अदर मैकेनिज्म ऑफ प्रोवाइडिंग टेम्प्रेरी सपोर्ट टू द एग्रीकल्चर ठीक है नहीं रिमूवल नहीं सजेस्ट करनी है आपने अभी अभी हमारा एग्रीकल्चर उस लेवल पे नहीं है कि आप बिना सपोर्ट के खड़ा हो सके आप देख ही रहे हैं कि इतनी अप्रोव हो रहा है इतना प्रोटेस्ट हो रहा है बस एक फ़ियर की वजह से नथिंग एल्स और कुछ है ही नहीं है चलो नहीं नहीं फिजिकल डेफिसिट आप कह सकते हो नेगेटिव की फिजिकल डेफिसिट बढ़ता है लेकिन फिजिकल डेफिसिट सिर्फ इसी वजह से नहीं बढ़ता ना कि हम एग्रीकल्चर को सब्सिडी दे रहे हैं हुँ? ऐसा तो है नहीं कि अब नॉर्मली कोई बिल बढ़ रहा है सब फर्टिलाइजर सब्सिडी का ठीक है एक रेट पे बढ़ रहा है वो तो हम बढ़ेगा